ज़्यादा खरीदती वाली है। अब आपके बाल भी काफ़ी छोटे पतले, मेरे बाल ऐसे दिखने में हैवी दिखते हैं बट बहुत ही वॉल्यूम मेरे बालों का थोड़ा कम है, जैसे कि खुला खुला वाला टेक्सचर वाला हेयर है तो वही हेयर है मेरे, जिसकी वजह से मेरे बालों का वॉल्यूम ज़्यादा दिखता है बट उससे ज़्यादा है नहीं। तो अगर आपके बाल भी इस तरीके के हैं और काफ़ी छोटे हैं और आपको बिग मैसी बन बनाना है, पतले सड़े सड़े हुए बालों को बिग मैसी बन, खूबसूरत मैसी बन बनाने का ख्वाहिश रखते हैं और नहीं बन पाता है, तो इस वीडियो में सब कुछ क्लियर होने वाला है और आप बहुत ही इजीली कैसे भी बालों आपके आप मैसी बन बनाने में दिक्कत आती है तो आप बना लोगे। सबसे पहले आपको थोड़े से हेयर लेने हैं अपने यहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा बाउंसी का लुक अच्छा लगता है इस वाले हेयर स्टाइल का, तो हल्का सा पफ का लुक देखिए, ज़्यादा बड़ा पफ नहीं बनाना है। और इसको मैं टिक टेक क्लिप से सेट कर दे रही हूँ। उसके बाद आपको जहाँ पे आपने ये टिक टेक क्लिप से बालों को सेट किया है, ओके, जैसे हमने यहाँ पे सेट किया है, ओनली आपकी एकदम यहाँ पे होनी चाहिए, ओके। अगर आपसे नहीं बन पाता है उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, तो सारे बालों को उस तरीके से नीचे की तरफ लेके जाइए, अच्छे से काम कीजिए बैक को, ईयर के पास को, उसके बाद अपने बालों को इसलिए आप पकड़ लीजिए। कम करने के बाद सारे बालों को यहाँ पे पकड़ लीजिए, आपका पफ के बाहर का हेयर था उसको भी अच्छे से कम कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे लगाना है हेयर रबर, तो आप देख सकते हो एकदम मेरा इस वाले क्लिप के पास ही होनी बन के रेडी हो चुकी है। अब इसमें आपको बनाना है मैसी बन, उसके लिए आपको क्या करना है, चारों तरफ से थोड़े थोड़े बालों को खींच लेना है, कहीं से भी बहुत टाइट बाल नहीं खींचने चाहिए आपके, क्योंकि मैसी बन में आपका हेयर ऐसे ही दिखता है। उसके बाद से आपको थोड़े से हेयर अपने फ्रंट से थोड़े से हेयर छोड़ देने हैं, इतने हेयर ले लेने हैं और इसमें आपको करना है पैक कॉलिंग, ताकि आपका जो बन बने दोनों साइड से इसको पैक कॉलिंग कर देना, ओके। और इसको बन बना के यू पिन की मदद से सेट कर देंगे। आपके पास हेयर स्प्रे नहीं है तो भी आप बना सकते हो इजली। तो ये हमारा बन बन गया, अभी जो हेयर बचा हुआ है इसको हल्का सा ट्विस्ट का लुक दे देंगे और इस तरीके से खींच के मैसी बन के चारों तरफ लपेटेंगे और बाकी बचे बालों को इस तरीके से करेंगे और इस पर यू पिन से इसको सेट कर देंगे। आप ये मत देखा कीजिए कि मैं पिंस कहाँ अटैच करूँ, आप जहाँ पे भी कंफर्टेबल हैं वहाँ पे अपने पिंस अटैच कीजिए और बहुत ही सुंदर सा आप बन बना सकते हो। इस तरीके से अपने कंफर्ट के हिसाब से आप अपना हेयर लीजिए और जहाँ पे आपको इजी लगे वहाँ पे आप इसको सेट कर दीजिए। ओके, तो ये हमारा बन तो बहुत अच्छा सा बन गया है, बहुत काफ़ी हैवी दिख रहा है और बहुत छोटे बालों में भी आप इस तरीके से बन बना सकते हो बहुत बड़ा सा। ओके, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि ये निकल सकता है बाद में, क्योंकि मुझे बाहर जाना है तो ये हेयर मुझे 5-6 घंटे तक कैसे कैरी करना है, आप चाहो तो 24 घंटे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े हेयर को चारों तरफ से खींच रहे हैं, मैसी सा लुक दे रहे हैं, साइड से ये निकालने हैं हेयर्स। तो इस तरीके से आप जितने भी छोटे पतले बाल हैं आप बहुत अच्छा सा बड़ा सा मैसी बन बना के बना सकते हो अपने बालों में। तो हो गया ना, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आप ये बन क्रिएट कर लोगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पतले छोटे बालों में आप किस तरीके से बड़ा सा मैसी बन बनाए, मैसी बन पतले छोटे बाल हैं मैसी बन बनाने में दिक्कत आती है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई नई वीडियो में नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाय बाय।